प्रदेश भर में वक्फ बोर्ड की जमीनों को खुर्दबूद करने का आरोप मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मौजूदा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर जमीनों को औने पौने दामों पर लीज कर देने का आरोप लगाया है और इसको लेकर मुस्लिम समुदाय लामबंद होते नजर आ रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सरकार से मांग की है कि सभी लीजों की जाँच करवाई जाए और उनको रद्द किया जाए। वहीं इस मुद्दे को लेकर एक सामाजिक संगठन ने भी इस मांग का समर्थन किया है कि सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच कराए और वक्फ बोर्ड की बेशकीमती जमीनों को बचाया जा सके। वहीं सामाजिक संगठन नवजन चेतना मंच भी विरोध कर रहे मुस्लिम समाज के समर्थन में आकर खड़े हुए हैं और इस मुद्दे को लेकर सरकार से गुजारिश की है कि इस मामले में तुरंत संज्ञान ले, अन्यथा वो इस मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे। धार्मिक स्थलों को लीज पर देने का ताजा मामला बड़कल फरीदाबाद ईदगाह का भी है, जिसकी 2 एकड़ जमीन एग्रीकल्चर की श्रेणी में दी गई है, जिसको लेकर बड़खल के मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं समुदाय के लोगों का कहना है कि गुरुग्राम में भी वक्फ बोर्ड की जमीनों को खुर्दबूर करने के मामले सामने आ रहे हैं। इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री तक की, लेकिन कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर हरियाणा के कई इलाकों से लोग अल्पसंख्यक मंत्री तक से मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट के ऑर्डर हैं कि जिस जमीन को लीज पर देना है उसको पहले कब्जे में लिया जाए और तब जाकर उस पर लीज ली जाए, और इसी तरह किसी जमीन को लीज पर देने के लिए आम ऐलान किया जाए, लेकिन यह दोनों काम नहीं हो रहे हैं और फिर भी लीज की जा रही है। सभी नियमों को ताक पर रखा जाने के आरोप वक्फ बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन पर मुस्लिम समाज के लोग लगा रहे हैं। देखना होगा कि हरियाणा सरकार इस मामले को कितने गंभीरता से लेगी और औने पौने दामों पर दी गई जमीन का विरोध कर रहे मुस्लिम समाज के लोगों को सरकार न्याय दिलवा पाएगी। देखिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से हरियाणा सरकार को और वक्फ बोर्ड के आला अफसरान और चेयरमैन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम इनके विरोध में नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड की जमीन को बचाने के लिए हम पूरा भरसक अपना जोर लगाएंगे। ये वक्फ बोर्ड की जमीन किसी की बापोती नहीं होती, इसका खुदा मालिक होता है। चेयरमैन और बोर्ड इसकी हिफाजत के लिए लगा जाता है, ना कि जमीन को खुर्दबुर्द करने के लिए। एक सस्ते दामों पर, कितने अफसोस और दुख की बात है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को अलाट करने में लग रहे हैं। जब ऑनरेबल हमारी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि ये अलाटमेंट्स बंद की जाए, और अलाटमेंट की भी जाए तो उसको खाली कराएं पहले, उसके बाद उसको ओपन ऑक्शन में बेचें ताकि वक्फ बोर्ड में पैसा आए। अगर वक्फ बोर्ड में पैसा नहीं होगा तो वक्फ बोर्ड चलेगा कहाँ से? वक्फ बोर्ड के अंदर पैसा लाने के लिए बहुत तौर तरीके अलग हैं। हरियाणा सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जिस प्रकार हमारे मंदिरों के अंदर हमारे पुजारी लगाए जाते हैं, तो ये भी तो हरियाणा सरकार का एक हिस्सा है वक्फ बोर्ड। वहां पर इमाम लगाया जाता है, इमाम की तनख्वाह क्या है आज? 12,000 रुपए। क्या 12,000 रुपए में एक परिवार का काम चल सकता है? कम से कम इनकी तनख्वाह दिल्ली के तर्ज पर 18,000 रुपए तो दिल्ली ने कर रखी है, लेकिन हमारे यहाँ का पुजारी जब 25,000 रुपए माहवार तनख्वाह लेता है तो इमाम की तनख्वाह भी मैं समझता हूँ 25,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, ताकि वो बेईमानी की तरफ उसकी नजर ही नहीं जाए। क्या इस मामले को लेकर जांच होनी चाहिए कि कोई अलग से कमेटी बनाए? मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से सरकार के पास इतना कहना चाहूंगा कि 15 दिन के अंदर या तो इसकी जांच को अपने सतर पर पूरी कर ले, वरना हम इसके खिलाफ एक रिट याचिका दायर करेंगे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में। क्या लगता है कि जो बेशकीमती जमीन है वक्फ बोर्ड की उसको खुर्दबूद किया जा रहा है? पूरे हरियाणा के अंदर विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है गुड़गावा, और गुड़गांव के वक्फ बोर्ड की जमीन इतनी बेशकीमती है कि सबकी नजरें जैसे महमूद गजनवी की हमारे हिंदुस्तान को लूटने के लिए पड़ी थी, उसी तरह वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और इनसे अफसरान की जो उसमें मेंबर साहिबान है और जो सरकार के कारिंदे हैं, उन सब की नजर उस वक्फ बोर्ड की जमीन को हथियाने में लगी है। अभी मेरे संज्ञान में एक मामला आया है, बुढ़ेड़ा गांव की 2 एकड़ जमीन एक निजी इंस्टीट्यूट को दे दी गई है जो हॉस्पिटल चला रहा है। क्या वक्फ बोर्ड की जमीन को अलॉट करना चाहिए? क्या अहले इस्लाम और ईदगाह की जमीन को वक्फ बोर्ड को अलॉट करना चाहिए? कितनी शर्म और अफसोस की बात है। हमारे गुड़गांव के अंदर 5.5 एकड़ जमीन मुझे अभी संज्ञान में आया, यहाँ पर प्लॉटिंग हो गई। ये अफसर क्या कर रहा है वक्फ बोर्ड का यहाँ पर? इसकी जांच क्यों नहीं होती? इसके खिलाफ भ्रष्टाचार का पर्चा दर्ज करके और इसको सजा कड़ी से कड़ी दिलाई जाए, ये मेरा आपके मीडिया से कहना है। मुफ्ती मोहम्मद सलीम, सदर जमीयत उलमा गुड़गांव। क्या मामला बताइए? देखिए, मामला तो अभी ये ताज़ा जो पेश आया है वो फरीदाबाद बड़कल झील का है, जो इमाम साहब आए हैं वहाँ से कि ईदगाह को लीज पर दे दिया गया। लेकिन वक्फ बोर्ड से जो हमारा झगड़ा है वो तकरीबन 3 साल से तो मैं ही झगड़ रहा हूँ RTI के जरिए और ज़मीनी सतह पर, कि जो गुड़गांव की भी जो सूरत हाल है वो ये है कि पटौदी चौक पे हमारा कब्रिस्तान है, पालम विहार में हमारा कब्रिस्तान है, सरायला वर्दी में कब्रिस्तान है, इन कब्रिस्तानों पे भी इन्होंने प्लॉटिंग करा दी।
और जहां भी ईदगाहें हैं और कब्रिस्तान हैं और मस्जिदें हैं पुरानी, तो इस वक्त बोर्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा धोखेबाजी, चालबाजी और कहिए कि चोरी डकैती शुरू हो चुकी है आला पैमाने पर। जैसा कि अभी ईदगाह का मामला है, जो अहले इस्लाम के नाम जमीन हो उसको लीज पर दिया ही नहीं जा सकता, और बोर्ड जो बनता है, जो चेयरमैन होता है चाहे वो मेंबर हो, वो उसके मालिक नहीं है। वो किसी को भी जमीन को किसी को भी अलाट कर दें, उसको उसके नाम कर दें, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि वो कौम की अमानत है। और चेयरमैन का भी फर्ज बनता है कि कौम का जिसमें ज्यादा फायदा हो उस एतबार से काम करे, ना ये कि अपना फायदा देख करके काम किया जाए। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति तो नहीं है, पार्टीबाजी तो नहीं है, जिस तरह से जो आरोप आप लगा रहे हैं? देखें, इसमें राजनीति और पार्टीबाजी को तो हम नहीं कह सकते कि क्या है क्या नहीं, लेकिन इसमें साफ तौर पर जो दिख रहा है वो जाती फायदा जरूर दिख रहा है, क्योंकि जो पैसा आता है इसमें लीज पर देने के बाद वो करोड़ों आता है, और बोर्ड में जो जमा होता है वो लाखों में जमा होता है। तो इस एतबार से ये सारा काम चल रहा है, तो हमारी सरकार से ये मांग है या तो इस बोर्ड को बिल्कुल कुल्ली तौर पर खत्म किया जाए, नया बोर्ड बनाया जाए और ईमानदार अफसरों को इसमें और मेम्बरों को लाया जाए, या फिर इसकी जो अभी 2-3 साल के अंदर अंदर जो ये जितनी भी जमीनें दी गई हैं लीज पर उसकी पूरी कार्रवाई की जाए, इंक्वायरी की जाए कि किस तरह से जमीन को लीज पर दिया गया और किस जमीन को दे सकते हैं और किस तरह नहीं दे सकते। और मैं इस बात को भी बता दूं कि जो बोर्ड एक्ट बना है 2013 में, उसके एतबार से भी जो हमारे ये जो बोर्ड के अराकीन हैं, चाहे वो ईओ साहब हों या फिर यहाँ का पटवारी हो, कोई भी हो, चाहे चेयरमैन ही क्यों ना हो, वो पूरे के पूरे उसूलों को फॉलो नहीं कर रहे बल्कि अपनी मनमानी कर रहे हैं।